दल्ले खां की चक्की से जब आप पाल रोड की तरफ निकलते हैं तो शास्त्री नगर पुलिस थाने के ठीक पास से एक गली आपको नज़र आएगी और वहां आपको नज़र आएगा ये बहुत बड़ा सेवा का मंदिर जिसे हम अपना घर के नाम से जानते हैं। अपना घर आश्रम क्या है, किस तरह के लोगों की सेवा यहां होती है, आइए ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। सेवा के मंदिर अपना घर में इस समय हम हैं और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी प्रभुजन यहाँ रहते हैं उनके खाने की व्यवस्था प्रॉपर ढंग से की जाती है। इस समय मेरे साथ अपना घर आश्रम से महादेव झंवर साहब हैं जो कि यहाँ सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। महादेव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने प्रभुजन हैं इस समय वर्तमान में? अभी यहाँ 239 प्रभु जी, पुरुष प्रभु जी है और 2 महिला प्रभु जी हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग हम पीछे देख रहे हैं, मेरी कैमरा टीम से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप पीछे दिखाएं, सभी प्रभुजन एक साथ भोजन प्रसाद ले रहे हैं, ये प्रभुजन आप तक कैसे पहुँचते हैं, क्या प्रक्रिया है अपना घर आश्रम में आप लोगों को जो लेकर आते हैं उनके लिए? अपना घर आश्रम जो रोड पर पड़े रहते हैं, जो मंदिरों के बाहर मस्जिदों के बाहर, उनको कहीं पर से भी हमारे को अभी फ़ोन आने लगे हैं और हमारी टीम वहाँ जाती है फ़ोन आने के बाद, तो उसके बाद हम वहाँ पे पूरी तहकीकात करते हैं भी ये लावारिस है, तो फिर उनको वहाँ से हम रेस्क्यू करके लेके आते हैं और यहाँ लाने के बाद इनका पूरा दिनचर्या हमारे, मतलब इनको नहलाना, इनको खाना खिलाना, दवाई दिलाना, ये सब हमारे आश्रम में होता है। ऐसे में मैं ये भी जानता हूँ कि कई ऐसे प्रभुजन भी होंगे जो स्वस्थ होकर पुनः अपने घर जाते होंगे, तो उनकी ID प्रूफ, उनके घर का पता, ये कैसे सर्च करते हैं आप? ये यहाँ आने के बाद इनको मालूम नहीं रहता है, किंतु जब इनकी खाना, दवाई और नींद तीनों बराबर आती है तब ये 15 दिन महीना भर में कुछ न कुछ बता देते हैं। तो जैसे भी गांव का नाम या कुछ शहर का नाम या जिला का नाम बताते हैं तो हम भी नेट पे इसका सर्च करते हैं और नेट पे हर चीज़ मिल जाती है, तो नेट के द्वारा हम पुलिस को सूचित करते हैं, वहाँ के पुलिस को सूचित करने के बाद में वहाँ के पता लगता है कि ये इस गाँव का है और ये नाम है, इसके पिताजी है, या तो वहाँ पे FIR दर्ज हुई होती है गुमशुदा की, नहीं तो फिर वहाँ के पुलिस हमारे को सपोर्ट करती है। यहाँ की पुलिस भी सपोर्ट करती है? यहाँ की पुलिस भी सपोर्ट करती है। अब तक कितने प्रभुजन को आप पुनः उनके घर भेज चुके हैं? अभी हमने 739 पुरुष प्रभु जी को और 89 महिला प्रभु जी को घर भेज चुके हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुमित्रा चौधरी। सुमित्रा जी, कितने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं आप? मैं 5 साल हो रहे हैं अपना घर में। सुमित्रा जी, मैं जानना चाहूँगा इन प्रभुजन के भोजन का क्या नियम होता है, सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या इनकी दिनचर्या रहती है? सुबह हम लोग इनको 6:30 बजे उठाते हैं, 6:30 बजे उठ के ये मंजन वगैरह, फ्रेश वगैरह होना, फिर सुबह 7:30 बजे इनका चाय नाश्ता होता है, 7:30 से 8:30 बजे तक इनका चाय नाश्ता, फिर इनकी 8 बजे 8:30 से दवाइयाँ होती है सबकी, 9:30 बजे तक ये लोग दवाइयाँ दे ले पाते हैं, 9:30 से इनका प्रभु अभिषेक होता है जिनमें सब लोगों इन लोगों को स्टाफ खुद अपने हाथों से नहलाता है, फिर नहाने के बाद में इनका 11:30 बजे भोजन होता है 12:30 तक, फिर कुछ देर ये TV वगैरह देखते हैं, 1:30 बजे हम इनको सुला देते हैं, 3 बजे वापस इनको उठाते हैं, 3 बजे इनका वापस चाय नाश्ता करवाना, फिर थोड़ी देर हम इनको यहाँ पे भोजन प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं, कुछ खेल भी खिलाते हैं, फिर 5 बजे हम बाहर मैदान में लेके जाते हैं, वहाँ पे इनको वॉक करवाते हैं, थोड़ी देर खेल भी खिलाते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, कुछ भी जो ये खेल सकते हैं वो खेल खिलाते हैं, फिर शाम को 6 बजे भोजन होता है इनका वापस स्टार्ट, 6 से 7 बजे तक इनका भोजन होता है, फिर इनकी वापस दवाई होती है सबकी दवाई, और 9 बजे तक ये दवाइयाँ ले पाते हैं, फिर सबको 1-1 गिलास दूध देते हैं, दूध देने के बाद हम सबको अलग अलग अपने अपने जो पलंग है इनके लगे में उनको सबको सुलाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिनकी मनोस्थिति सही नहीं होती है, बहुत परेशान होते हैं, अपनी याददाश्त भूल चुके होते हैं, तो ऐसे में आपकी टीम उन्हें कैसे मैनेज करती है? सर, उनको प्यार और प्रेम देना पड़ता है, हमारे को पूरा प्रेम दे के हम उनको समझाते भी हैं, कोशिश भी करते हैं उनको समझाते हैं कि आपको घर भेजेंगे, घर के बारे में हम उनका पता करते हैं, और प्रेम से सर हर आदमी इंसान समझ जाता है, हम प्रेम जितना इनको देते हैं ये गुस्सा करते हैं, पर अपन प्रेम देंगे तो इनका गुस्सा शांत हो जाता है, अगर अपन इनको बराबर गुस्सा करेंगे तो ये कभी भी शांत नहीं हो सकते, सबसे बड़ा है इन लोगों के लिए प्रेम। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ये लोग आते होंगे, किस तरह के सिचुएशंस में आते हैं आप तक?
यहाँ पे सर जैसे ये 5-5, 10-10 सालों से नहाए हुए नहीं होते हैं, पुरुष प्रभुजियों के जैसे आप मानोगे नहीं 20-20, 30-30 जोड़ी वस्त्र पहने हुए होते हैं, बाल बड़े हुए होते हैं, सेविंग बड़ी हुई होती है। इन लोगों को आप अगर यहाँ आने के बाद में 2 मिनट में भी इनके नहाने धोने की बाद में देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा वही प्रभु जी, ये वो प्रभु जी है। बच्चों को जिस तरह से टैकल करना होता है उसी तरह से इन प्रभुजन को भी टैकल करना पड़ता है, तो क्या आपके साथ में कोई मेडिकल टीम भी होती है आपको सपोर्ट करने के लिए? हाँ जी, हमारे साथ में मेडिकल टीम है। हमारे में डॉक्टर पंकज कुमार जी गाड़िया है जो सेटेलाइट हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे अपना घर के लिए। और मथुरा दास से भी है डॉक्टर जी डी कुलवाल, कमला नगर हॉस्पिटल से हैं डॉक्टर रतनलाल मेहता, और अपने श्रीराम हॉस्पिटल से है डॉक्टर अनिल जी, काफ़ी सहयोग रहता है इन लोगों का। और बाकी मेडिकल स्टाफ तो पूरा रहता ही है यहाँ 24 घंटे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अपना घर आश्रम में क्या एज ग्रुप के लोग हैं, कितने उम्र के लोग हैं यहाँ पर? अपना घर आश्रम में सर 18 साल से बड़ी एज के लोग हैं, 18 साल से लेके सब उम्र के लोग हैं। पुरुष और महिला प्रभु जी की संख्या कितनी है? पुरुष प्रभु जी की है 239 और 2 महिला प्रभु जी है अभी अपना घर आश्रम जोधपुर में। अब तक कितने प्रभुजन हैं जिनकी सेवा हो गई और वो अपने घर पहुँच पाए? सर अभी तक अपन ने 750 लोगों को ठीक करके वापस उनको पुनर्वास कर दिया है, जिसमें से कोई 5 साल से लापता है, कोई 10 साल से, एक केस ऐसा आया था जो 50 साल से लापता महिला प्रभु जी को हमने घर पहुंचाया है। जो यहाँ प्रभु जी आप लोगों की सेवा के साथ स्वस्थ हो जाते हैं, उनके लिए फिर आगे क्या होता है? क्या वो सीधे अपने घर चले जाते हैं या यहीं रहते हैं, क्या रहता है? कुछ लोग घर चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, वो फिर अपनी यहाँ पे भी सेवा देते हैं। अभी हमारे पास में 25 प्रभु जी यहीं पे काम कर रहे हैं, जैसे भोजनशाला में है, सफाई में है, कपड़े धोने में है, सब मतलब इनका सहयोग करने में वो अपनी वापस यहीं पे सेवा देने लग जाते हैं। आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे हम एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते हैं, पर अपना घर आश्रम में यहाँ एक टेलीविजन स्क्रीन यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो लगी हुई है, जहाँ पर इन्हें भक्ति भाव से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, फिल्में दिखाई जाती हैं और कहीं ना कहीं इन्हें मोटिवेट किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे अपना घर आश्रम में कितनी साफ सफाई है और किस तरह से हर प्रभुजन का ख्याल रखने के लिए तमाम वो लोग जहाँ जो अपने घर परिवार से बिछड़ गए हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सारी परेशानी से दूर यहाँ इस खूबसूरत घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें से कई लोग हैं जो ठीक होकर जल्द ही अपने घरों से मिलने वाले हैं, तो इसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी उस ज़िंदगी की जद्दोजहद में चल रहे हैं, जहाँ वो ये पता लगा सकें कि वो बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है उनका परिवार। पर कहीं ना कहीं अपना घर आश्रम, जिसकी शुरुआत जोधपुर में 2 मार्च 2014 में हुई थी, यहाँ के कुछ अच्छे बिजनेस और सोशल वर्क से जुड़े हुए लोगों ने एक संस्था बनाई और अपना घर आश्रम की ब्रांच यहाँ जोधपुर में स्थापित की, और आज आप सबके सहयोग से 700 से ज़्यादा लोग जो हैं अपने घर वापस जा चुके हैं, और इस समय भी 200 से 250 के करीब प्रभुजन यहाँ पर हैं जिनकी सेवा में अपना घर आश्रम तत्पर है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रभुजन से कि उन्हें यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे वो खुश हैं या नहीं। तो अभी हमारे साथ में एक प्रभुजन है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी सर, रमेश। रमेश भाई, कब से आए आप अपना घर में? 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कर्नाटक के रहने वाले जी। आपके परिवार का पता चल गया? कोई नहीं है, हमारा सब गए ऊपर। आप अकेले ही? अकेले सर। तो अब आप यहीं अपना घर में रहेंगे? अपना घर? अच्छा, 4 साल हो गए। हम 20 साल भटक रहे थे इधर उधर, इलाज के लिए कई इलाज नहीं हो गए। इधर मेरा 3 बार ऑपरेशन हो गया, एकदम आनंद में हो गया, सब कुछ अच्छा है सर। और एक ऑपरेशन करने वाले हैं और ऑपरेशन में हमारा सही कर दिए। 20 साल से इलाज भटक गया ऐसा ही, रोड से इधर उधर भीख मांगते रह गए, पर कोई अच्छा नहीं हो गया। तो अपन इधर आके आश्रम में, अपना घर आश्रम में आके सब कुछ अच्छा हो गया, इलाज हो रहा, चल रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, मज़ा में है। जहाँ खाना जो मिलता है अच्छा मिल रहा है? खाना पीना सब कुछ मज़ा में है सर, कोई तकलीफ नहीं है, किसी बात की तकलीफ नहीं है हमें इधर। तो आगे क्या करना है सर? ठीक हो जाएंगे, इधर थोड़ा सेवा करेंगे हम, और सर इधर दुआ मांग कर हम चले जाएंगे घर, ऐसा ही जाएंगे किधर काम देखेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे प्रभुजन जिन्हें खाने में दिक्कत होती है, जो खाना खा नहीं सकते, उनके लिए भी यहाँ पर जो हमारे सेवाभावी सदस्य हैं अपना घर के, वो उन्हें स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ये सेवा अपने आप में अतुलनीय है।
जब आप 200 से ज़्यादा लोगों की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। अपना घर आश्रम में एक पूरा क्लिनिक यहाँ पर तैयार है, आपातकालीन स्थिति में यहाँ पर इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमारे शहर के जो प्रतिष्ठित अस्पताल हैं वो भी अपना घर के जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, उनका इलाज करने के लिए हमारी पूरी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक बन चुका है और यहाँ पर भी इनिशियल लेवल पर प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। तो अभी हमने आपको दिखाया सेवा का मंदिर अपना घर आश्रम। इस आश्रम की शुरुआत सन 2000 में डॉक्टर बीएम भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने भरतपुर से की थी। शुरुआत में जब उन्होंने इस संस्था का आगाज किया उसमें उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिसका कोई घर नहीं उसका अपना घर होना चाहिए और हम उनकी सेवा कर सकें। मैं कल ही उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें डॉक्टर भारद्वाज ने ये बताया कि उनको ये लगता था कि ऐसे लोग तो बहुत कम होंगे, 10, 15, 35, पर जब ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते हज़ारों में पहुंच गया तब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के आश्रम की ज़रूरत है। और उन्हीं की प्रेरणा से 2014 में जोधपुर में भी इस आश्रम की स्थापना हुई। अभी मेरे साथ महादेव झंवर साहब हैं। महादेव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी इस संस्था में अगर कुछ डोनेट करना चाहे, संस्था से जुड़ना चाहे तो क्या प्रावधान? यहाँ जो आश्रम में आते हैं जो आम जनता, उनने आश्रम की सेवा देख के जो यहाँ पर डोनेट करते हैं, एक तो उनसे चलती है, दूसरा हमने यहाँ पर आजीवन सदस्यता 51,000 रुपये रखी रखी है और वार्षिक सदस्यता 11,000 और मासिक सदस्यता 1,100 रुपये। उसके बाद एक समय का खाने का हम 5100 रुपये और नाश्ते का 3100 रुपये और पूरे दिन का 11,000 रखे रखा है। तो इससे पूरा पूरा मोटा मोटी चला जाता है, हमारे व्यय का जो भी है खर्चा आ जाता है आश्रम में। अब मैं सुमित्रा से जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह इन्हें जानकारी मिलती है कि कोई आदमी लावारिस है, कोई उसका देखने वाला नहीं है, वो बीमार है, परेशान है, किस तरह से जानकारी मिलती है? आम जनता की सूचना से व पुलिस थाना के माध्यम से सूचना मिलती है अपना घर को। अपना घर में कॉल आता है, कॉल के दौरान हम अपना घर की टीम जाती है और वहाँ से जो भी थाना लगता है उस थाने को सूचित कर हम उन प्रभुजनों को लाकर आश्रम में भर्ती करते हैं। आप भी ऐसे कोई भी लावारिस, आश्रयहीन, बीमार लोग जो तड़प रहे हैं सेवा के लिए, उन लोगों को एक कॉल जरूर करें अपना घर में। अपना घर का नंबर है 8764396815 0291263407, लैंडलाइन नंबर है। कृपया आप एक बार ज़रूर सूचित करें ऐसे आदमी और महिला के लिए। तो ये है अपना घर आश्रम, जहाँ सेवा की जाती है उन तमाम लोगों की जो अपने परिवार को या तो भूल चुके हैं या परिवार से निकाले जा चुके हैं, परिवार की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। आपसे भी अनुरोध करूँगा अपने बच्चों को अपने साथ लेकर इस आश्रम के दर्शन ज़रूर कराएं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जितने भी स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाई करवाते हैं वो तो अपने आप में अच्छी है ही, पर ये एक ज़मीनी हकीकत की वो पढ़ाई है जो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए ताकि उसमें सेवा का भाव उत्पन्न हो। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हर साल कई लोग आते हैं जो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, कई ऐसे लोग भी आते हैं जब अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं या कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका शेयरिंग भी यहाँ बिना अपना नाम बताए साझा करते हैं। तो अपना घर आश्रम की ओर से मैं तमाम उन दानदाताओं का, उन बड़े दिल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना घर आश्रम को सपोर्ट किया। और आज यहाँ मैं और पूरे अपना घर आश्रम की टीम आपसे निवेदन करेंगी कि इस अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर बीएम भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज इस 25 अक्टूबर को कौन बनेगा करोड़पति में श्री अमिताभ बच्चन जी के समक्ष आने वाले हैं और अपना घर आश्रम किस तरह से उन्होंने बनाया, कैसे ये जर्नी उनकी रही, उसके बारे में बहुत कुछ वो बताने वाले हैं। तो आप सभी देखने वालों से मेरा अनुरोध है कि 25 अक्टूबर को शाम 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति अवश्य देखें, जहां आप मिलेंगे डॉक्टर बीएम भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज से, जिनका है ये अपना घर और हम सब इस अपना घर के सदस्य हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए।